सो गाइज, मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं डिनर बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं पत्ता गोभी ली हूँ, इसको ग्लास से अच्छे से कट कर लूँगी भुजिया के लिए। मुझे भुजिया बनाना है प्याज के साथ, ऐसे सूखी सब्जी जिसको हम बिहारी में भुजिया बोलते हैं वही मैं बनाऊंगी। तो अभी मैंने इसको ग्लास से अच्छे से कट कर लिया है बारीक। देखिए, ग्लास से काटना एकदम ईजी होता है, चाकू से तो मेरे को मुश्किल लगता है, इसलिए मैं ग्लास से कट करती हूँ। उसके बाद मैं सेमिया की तैयारी कर रही हूँ। तो गैस पे रखा है मैंने पैन और इसमें मैं घी ऐड कर दूँगी थोड़ा सा। और ये तो मेरा रोस्ट सेमिया है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से इसको रोस्ट करती हूँ ताकि इसमें पैकेट बंद में स्मेल रहता है तो थोड़ा सा ये अच्छा लगे, फिर टेस्ट आए सेमिया में। तो मैं इसको दोबारा से रोस्ट कर लेती हूँ। और इधर मैंने गैस पे रखा है दूध बॉयल होने के लिए। तो ये सेमिया भी मेरा भून चुका है। तो जब मेरा सेमिया भून गया तो मैंने गैस पे वही पैन रख दिया और इसमें मैंने रखा डाला घी और ये जो मैंने कट करके रखा था ड्राई फ्रूट वो मैंने ऐड कर दिया। और वो मेरा रोस्ट हो रहा है उधर, तब तक मैं इधर कढ़ाई में तेल डाल दूंगी भुजिया के लिए। और उसमें मैंने जीरा डाल दिया और हरी मिर्ची डाल दिया और थोड़ा सा मेरा ये जल जाएगा। उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी और उसके बाद ये थोड़ा मेरा भून जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है लाल करना इसको। तो मैं साथ में पत्ता गोभी डाल दूंगी और सभी साथ में एक साथ चला के और इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन का स्मेल निकल जाए। और ये मेरा भून गया है तो मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी और हल्दी और थोड़ी सी धनिया पाउडर टेस्ट के लिए और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो अभी ये मेरा भून गया है, मैंने डाल दिया है सभी मसाले। तो इसके बाद मैं ढक के थोड़ी देर पकाऊंगी, फिर इसको हम चेक करते रहेंगे बीच बीच में। और मैं इसमें अभी दूध में सेमिया डाल दूंगी। तो इसके बाद हम चला के देख लेंगे। तो ये मेरा उधर पक रहा है सेमिया, तब तक मेरा ड्राई फ्रूट भी हो गया है। तो मैं चीनी ऐड कर दूंगी और इसके बाद जो मैंने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखा था वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। और इधर रखा है मैंने कुकर जिसमें मैं दाल बनाऊंगी। तो कुकर में मैंने डाला है तेल, सरसों का तेल है, और उसमें मैंने डाला है जीरा और तेज पत्ता और ये हरी मिर्ची और लहसुन। तो मैंने ज़्यादा तेल नहीं डाला है दाल में। तो ये जब मेरा थोड़ा सा भून जाएगा तो मैं प्याज डाल दूंगी और सभी को साथ में भूनूंगी फिर। और ये जो मैंने दाल लिया है ये मसूर छिलका है, इसको दाल मखानी लोग बनाते हैं पर मैं जैसा बनाती हूँ रोटी के साथ खाने के लिए वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मैंने चने की दाल भी इसमें ली है ऐड करने के लिए, इससे टेस्टी बनता है ये, हमें तो ऐसे ही पसंद है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अभी तो मेरे पास टमाटर नहीं है तो मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ, आपके पास होगा तो आप डाल सकते हैं और टेस्टी भी लगता है, अच्छा भी रहता है, वो ग्रेवी अच्छी बनती है रेड रेड। तो मैंने दाल डाल दिया और पानी डाल दिया इसमें। तो मैं इसमें नमक भी ऐड करूँगी और उसके बाद ढक्कन बंद करके 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। सो गाइज, मैं अभी ली हूँ इधर आटा और ये मैंने लिया है कलौंजी और इसी में मैं ऐड करूँगी। और इसी तरह से अजवाइन भी लूँगी और वो भी क्रश करके डालूँगी। तो सेमिया के साथ ये पूरी खाने में थोड़ा टेस्टी लगता है और मेरे फैमिली में सबको पसंद है तो मैं ऐसे ही पूरियाँ बनाती हूँ। तो इसमें मैं अजवाइन और कलौंजी दोनों डाल दी। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा नमकीन पूरी बनाने के लिए, तो नमक ऐड कर दूँगी। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल डालूँगी और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसका डो बना लूँगी मैं अच्छे से। और ये मेरा आटा हो गया है तो थोड़ी देर इसको रेस्ट करने के लिए मैं बाउल में रख दूँगी ढक के। तो मेरा 10 मिनट हो गया है तो अभी मैं इसकी पूरी बनाऊँगी। तो कढ़ाई में मैं कम ही तेल डालती हूँ क्योंकि मैं इसको दोबारा से यूज नहीं करती हूँ इसके बाद। तो मेरा पूरी भी हो गया है तो मैं चलती हूँ अब सबको डिनर देने के लिए, मिस्टर भी उधर आके बैठे हुए हैं।
तो अभी उनको डिनर करा देती हूँ, फिर दिया जलाएंगे साथ में चल के। तो ये था मेरा आज का डिनर, तो चलिए सब साथ में मिलके डिनर करते हैं और उसके बाद चलते हैं बालकनी में, दिया जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं। लाइट ऑफ करो निशा। सो गाइज, आप लोगों को ये आवाज सुनाई दे रही है, लग रहा है कि सतयुग ही आ गया है। लोग कितने उत्साह से लॉकडाउन दिवाली मना रहे हैं, कहीं शंख बज रहा है तो कहीं पटाखे जलाए जा रहे हैं, तो कहीं घंटी बज रही है तो कहीं ढोल बज रहे हैं। तो चलिए आप सब भी मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। ऊपर देखो, देखो जा रहा है। हाँ देख लिया, वो अनार था क्या? अभी इस समय को सोचना क्या हो रहा है पहले से। वाह मम्मी है ना, होगा देखो। सो गाइज, आप लोगों ने कैसे अपना ये प्रकाश पर्व मनाया मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। शुभ रात्रि।